नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप बता दें, बीजेपी के 17 विधायकों को निलंबित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का देखिए आज पांचवा दिन है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है बीजेपी के विधायकों पर। 17 बीजेपी के विधायक निलंबित किए गए हैं। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं और सदन की कार्यवाही भी 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था, विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 17 बीजेपी के विधायक निलंबित किए गए हैं। एक एक करके हम आपको उनके नाम भी बताएंगे। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है और देखिए हम आपको नाम भी बता रहे हैं जिन विधायकों को निलंबित किया गया है। नीरा यादव, किशुन दास निलंबित किए गए हैं। 17 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं। इन सभी विधायकों ने झारखंड विधानसभा परिसर में कल रात भी अपनी गुजारी थी। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर कल से ही प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए जब कल बीजेपी के विधायक प्रदर्शन पर अड़े हुए थे तो मार्शल के जरिए इन सभी को बाहर निकाला गया और उसके बाद झारखंड विधानसभा के परिसर में ही ये सभी विधायक मौजूद रहे। अपनी रात इन्होंने झारखंड विधानसभा के परिसर में ही गुजारी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए बताया जा रहा है कि कल विपक्ष के जो विधायक हैं वो सभी प्रदर्शन कर रहे थे कई सारी मांगों को लेकर और इन सब का ये दबाव है कि जो सीएम हेमंत सोरेन हैं वो अपने वादों को लेकर संबोधन करें। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां सदन में बीजेपी विधायक मौजूद थे और रात में वो वहीं पर मौजूद रहने की कोशिश कर रहे थे, वहीं वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। फिर विधायकों को परिसर में अपनी रात गुजारनी पड़ी। सुबह फिर से बीजेपी के विधायक एकत्रित होकर वेल में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल से लेकर अब तक बीजेपी के विधायक डटे हुए हैं झारखंड विधानसभा में और विपक्ष की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इन सब की ये मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना वक्तव्य दें, संबोधन करें, जिसमें बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कई सारे जो वादे हेमंत सरकार ने किए थे वो सभी पूरे नहीं हुए हैं, उस पर जवाब देना चाहिए हेमंत सोरेन को। और न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, 17 बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, माफ कीजिएगा, संजय हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। संजय, 17 बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया है, क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है, बीजेपी के विधायक इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बता दें कि विधायकों को निलंबित किया गया, संख्या आप बता ही रहे हैं। बता दें कि विधायक बकायदा बाहर निकालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे मीडिया से बातचीत में बता रहे हैं कि 12:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। और चीजें जो आप जान रही हैं कि कल से यहाँ पर विधानसभा में कल जो हुआ, बीजेपी विधायकों ने जो प्रदर्शन किया, रात ही गुजारी और इसी की वजह से यहाँ पर कहते हैं कि रात भी यहाँ कहा जा रहा था कि स्पीकर का जो सदन होता है वो दरअसल आपको विधानसभा अध्यक्ष का होता है और आप उस सदन के अंदर जब विधानसभा स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया हो तो फिर उसके बाद आप वहाँ रुक नहीं सकते। जो बीजेपी विधायकों ने कहा कि वहाँ जो है तमाम चीज़ों का कनेक्शन काट दिया गया, पानी का और जो बिजली की कनेक्शन, एसी कनेक्शन काट दिया गया और बाद में 10:30 बजे के करीब वहाँ सभी विधायकों को मार्शल आउट किया गया। इसी को लेकर 17 बीजेपी विधायकों को यहाँ पर जो है आज उन्हें जो है वहाँ पर सभी फिलहाल निलंबित किया गया है। और बता दें कि सभी निलंबित विधायक जो बाहर अभी निकले हैं उन विधायकों को, सभी विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं और चूंकि विधायक आज सुबह ही फ्रेश होकर, बिल्कुल बता दें कि रात चूंकि उन्होंने यहीं गुजारी थी तो यहीं पर जहाँ आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं यहीं पर बैठकर विधायक आमतौर पर प्रतिदिन प्रदर्शन करते हैं, हाथों में तख्तियाँ लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। क्योंकि विधायक रात भर नहीं थे तो सुबह 9 बजे से ही विधायक यहाँ बैठ चुके थे और लगातार तख्तियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही सदन 11 बजे शुरू हुआ और सीधे यह कार्रवाई की गई है,
कार्रवाई होने के बाद फिलहाल सदन जो है 12:30 बजे तक स्थगित है, लेकिन जो विधायक है बीजेपी के वो लगातार अपनी बात कर रहे हैं, राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि रात में यहाँ जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप जब यहाँ रात में रुके तो क्या यह वास्तव में सही था, तो उन्होंने कहा उनका इरादा और मजबूत हुआ है क्योंकि वो जनहित के मुद्दों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। जी संजय, क्या कुछ मांगे हैं इन विधायकों की, जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था? कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से संबोधन चाहते हैं, ये जो वादे हेमंत सोरेन ने किए गए हैं आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने पूरे नहीं किए, तो क्या आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ संबोधन दिया जाना है सदन में? देखिए पहले बता दें कि मुख्यमंत्री जो है फिलहाल सदन में आपको यहाँ नहीं है, वो बाहर है, पाकुड़ गए हुए हैं, क्योंकि आपको जैसी जानकारी है कि स्टीफन मरंडी की जो पत्नी है उनका निधन हो गया तो सीएम उसी में गए हुए हैं। और ये बता दें कि यहाँ पर जो विपक्ष सीएम से वक्तव्य की मांग कर रहा है वो तमाम वैसे वादे हैं जिस पर विपक्ष कह रहा है कि 2019 में जब हेमंत सरकार सत्ता में आई थी जनता से जिन वादों को लेकर वो सत्ता में आई थी उन तमाम वादों पर सरकार ने कितने वादे पूरे किए, खासकर जो 5 लाख रोजगार का मामला है, बेरोजगारी भत्ता का मामला है और ऐसे तमाम चीज़ों को विपक्ष मुद्दा बनाकर जो विपक्ष के आरोप पत्र में भी शामिल है उन तमाम मांगों से विपक्ष इस मुख्यमंत्री से वक्तव्य मांग रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से कल कहा भी गया कि सदन के जो नियम है परंपरा है कि मुख्यमंत्री आपको सदन के सबसे आखिरी में बताएंगे क्योंकि सत्र कल तक होना है और सीएम आपको तमाम जो आपके सवाल हैं उसका जवाब देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश करते हैं और सीधे आपसे हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर भाई फोटो करने दो है ना। अरे दादा कह दिया सारा विषय। ए लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी हुई थी लेकिन तानाशाही हो गई है और इन्होंने अपने तानाशाही का उपयोग दिखाया है रास्ता। चल आने वाले समय में कोई जनता जवाब देगी, हम लोग जवाब देंगे इनको। कितने विधायकों ने निलंबित किया गया? पूरे विपक्ष को इन्होंने निलंबित कर दिया है कल तक बता रहे हैं, कल तक पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए सभी विधायक यहाँ बैठ गए हैं और विधायकों के साथ यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे बीजेपी के विधायक, जरा उनसे ये भी पूछिए आज भी क्या, देखिए आज भी झारखंड के विधानसभा परिसर में ही रात गुजारने वाले हैं, यही डटे रहेंगे? देखिए अब यहाँ पर जो है विपक्ष की भूमिका, देखिए आप नारेबाजी की आवाज सुन रही होंगी कि लगातार यहाँ पर विपक्ष जो है विधानसभा के बाहर आकर विपक्षी विधायक नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी अगली रणनीति क्या होगी हम सीधे यहाँ बात करेंगे। चूंकि अभी फिलहाल जो है वो बताते हैं कि अभी हम मीडिया से बात करेंगे, तमाम चीजों की जानकारी भी देंगे, लेकिन सबसे पहले अपना विरोध जताना चाहते हैं और यहाँ पर सीधे आप देख रहे हैं कि संजय ये भी क्लियर कीजिए, तमाम विधायक की आप बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित किया गया है। माफ कीजिए सवाल फिर से दोहराएंगे संजय, ये जरा क्लियर करके बताएं कि 18 विधायकों को निलंबित किया गया है बीजेपी के या फिर पूरे विपक्ष को ही निलंबित कर दिया गया है? देखिए अभी रणधीर सिंह ने बताया कि सभी विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया गया, कोई संख्या नहीं बताई है, लेकिन हम बात करेंगे। बोले अमित जी कितने विधायकों को निलंबित किया गया? मुझे नहीं पता, अभी तो मैं आया हूँ। विपक्ष के सभी माननीय विधायकों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, जिस तरह से स्पीकर का आचरण सदन के भीतर अमर्यादित आचरण का पेश करने का काम स्पीकर ने किया है और कहीं न कहीं लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से जो हम लोग आवाज उठाते हैं आवाज को दबाने का प्रयास किया है, राज्य के युवाओं नौजवानों बेरोजगारों की आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने किया है। सरकार के नुमाइंदे स्पीकर जो एक पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज सस्पेंड निलंबित करने का काम हम लोग किया है, ये आवाज ही दबा नहीं सकते हैं, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई ले जाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सरकार को झूठ उठाने का काम करेंगे। कल भी सदन में आप लोग आएंगे? अभी तो कल तक हम लोग को निलंबित किया गया है, कल तक निलंबित किया गया है, कल 2 बजे तक बताया जा रहा है। सदन में गए जो ही अपनी बातों को उठाए स्पीकर ने भाई होकर स्पीकर खड़े हो गए, अंगुली दिखा दिखा के स्पीकर ने बात किया, धमकाने का प्रयास किया और सभी विपक्ष को एक साथ निलंबित करने का काम किया। आनी ये सरकार इतनी गुगी बहरी हो गई, इतनी खराब लग रही है इनको,
जनता के मुद्दे को सुनना नहीं चाहती है। तो बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्षी विधायक हैं, तमाम विधायक हम बात करेंगे कि भानु जी सभी विधायक सभी लोग भानु जी ये जो भानु जी ये जो कितने देर के निलंबित किया गया कल तक? देखिए अध्यक्ष जी ने जो किया है ये पाप नहीं है, महापाप है। असंवैधानिक तरीका से पूरे विपक्ष को एक कलम से निलंबित करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने अपना तानाशाही रवैया दिखाया है और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के तरह शासन का अपना व्यवस्था कायम कर। भानु जी विपक्ष कब तक निलंबित है ये बताइए पहले। अब उन्होंने तो क्या कहा है हमको, तो चूंकि मार्शल आउट कराने का काम किया था, लेकिन कल 2 बजे तक के लिए उन्होंने निलंबित करने का काम किया। पूरे विपक्ष को या कोई संख्या है 17-18? अब जो नाम पढ़ रहे थे उससे तो लगा कि पूरे विपक्ष को उन्होंने निलंबित है। हम लोग भी निलंबित है 2 बजे तक। जी हाँ हम भी निलंबित है कल 2 बजे तक। हाँ सभी निलंबित है, निलंबित है, निलंबित। तो ये कार्रवाई जो की गई है कार्रवाई के पीछे वजह क्या, जो आप लोगों ने रात गुजारा यहाँ? ये कार्रवाई स्पीकर के लिए उचित नहीं है, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र का हत्या हुआ है। हम लोगों ने जनता का ये जो कार्रवाई हुई है क्या समूचे विपक्ष पर हुई है या कोई संख्या है? नहीं नहीं, यह तो जो आसन से माननीय अध्यक्ष जी ने पढ़ा ये पूरे विपक्ष को उन्होंने लोकतंत्र तो और लोकतांत्रिक मर्यादा का उन्होंने आवाज उठाना एक तरह से कहा जाए कि वो इमरजेंसी की याद दिलाती है। जहां प्रदेश के नौजवानों की आवाज हम लोगों ने कहा, उनके रोजगार के सवाल को हमने आवाज उठाया, संविदा कर्मियों का आवाज उठाया। एक सवाल है कि अब आप लोग कल 2 बजे तक निलंबित किया गया है तो आगे विपक्ष की भूमिका क्या होगी? आप लोग यहाँ पर रहेंगे या फिर आगे क्या? नहीं नहीं, जो आसन से नियमन आया है उसका हम सम्मान करते हैं क्योंकि हमको लोकतंत्र पर विश्वास है। इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है इसलिए पिछले दरवाजे से ये नौजवानों की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये पिछले दरवाजे से कृषि मित्रों की आवाज दबाना चाहते हैं, पिछले दरवाजे से संविदा कर्मियों की आवाज दबाना चाहते हैं, पिछले दरवाजे से आउटसोर्स कर्मियों का जो हमने आवाज उठाया उस आवाज को दबाना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इस राज्य के अंदर इन्होंने जो एक एक अवैध संरक्षण दिया है वो आवाज उठाते हैं। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री को पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने में प्रतिबंधित किया गया है, क्या ये पाकुड़ भारत का हिस्सा है कि नहीं है, झारखंड का हिस्सा है कि नहीं है, वहाँ कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर कानून व्यवस्था का स्थिति है तो इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले संथाल पढ़ना को नहीं होने देंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप लोग अभी निलंबन में हैं क्या यही सदन? देखिए अब कार्रवाई के बाद से बीजेपी के विधायक और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। संजय आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, देखना होगा आगे बीजेपी के विधायकों की तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको झारखंड राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, झारखंड में देखे हेमंता बिस्व शर्मा असम के सीएम पहुंचे हुए हैं और वो आज पाकुड़ जा रहे थे जिन्हें पाकुड़ जाने से रोक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा को पाकुड़ जाने से रोक दिया गया है। दरअसल वो देवघर से पाकुड़ जा रहे थे। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी है हेमंता बिस्व शर्मा और 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज उनका जो कार्यक्रम था वो देवघर से पाकुड़ जाने का था लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। जिला प्रशासन ने पाकुड़ जाने से हेमंता बिस्व शर्मा को रोका है जिसके बाद से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। आप बता दें झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी काफी तेज हो गई है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला झारखंड में जारी है और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा आज पाकुड़ जा रहे थे जिन्हें प्रशासन की टीम ने रोक दिया है। के तौर पर यह सरकार की दादागिरी है जो यह दर्शाता है कि हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं और जिस प्रकार इस राज्य में एक्टिव हैं उनसे यह सरकार डर गई है। सदन की अपनी गरिमा है, सदन की अपनी व्यवस्था है, सदन के अपने नियम कानून कायदे हैं। जब सदन को माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडजॉर्न कर दिया
उसके बाद सदन में इस तरह से अनावश्यक रूप से सदन के अंदर बैठे रहना, जमे रहना और इस तरह का राजनीतिक प्रपंच रचना, मैं समझता हूँ ये कहीं भी उचित नहीं है। जब नेता सदन ने ये कहा कि हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे और पक्ष विपक्ष मिलकर चलाएंगे, इसके बावजूद भी इस तरीके से इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया है, इसके लिए झारखंड की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। पाकुड़ में हेमंत बिस्व शर्मा को रोका गया, संथाल दौरे में आ रहे थे, संथाल दौरे पे हेमंत बिस्व शर्मा आ रहे थे, उनको पाकुड़ में रोक दिया गया। अब देखिए ये विषय मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बिस्व शर्मा जी को आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, बड़े भाई हैं, अरे असम में बाढ़ उड़ाई हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको चुनी हुई सरकार है, कम से कम जाएं पहले वहां की जो बीबीसी का है, बाढ़ है, उससे लोगों को निजात दें, फिर आइएगा, हम लोग कुश्ती करने के लिए तैयार हैं। और अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली में भी संसद में आरजेडी के जो सांसद हैं उनका प्रदर्शन जारी है। दरअसल आरजेडी के सांसद आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है और बिहार में आरक्षण बढ़ाने की मांग आरजेडी के सांसद कर रहे हैं। आरक्षण पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार किया था। आपको बता दें कि बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई अब सितंबर में होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है और ये आरजेडी के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन के बाद आरजेडी के सांसदों ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए और बहुत मुश्किल बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था जो दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, सरकार उसको नौवीं अधिसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। देखिए आपको मैं स्मरण कराऊंगा कि जब संसद इधर थी 2018 में संभवतः, मैंने प्रधानमंत्री जी के कुछ वक्तव्य पर आपत्ति दर्ज की थी जो एक्सपंज कर दिया गया था। उसके बाद कुछ विपक्ष के लोगों ने उसको ट्वीट करना चाहा तो उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रिविलेज का तो मामला बनता है, इसमें कमी कहाँ है? असल में दिक्कत क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी अभी भी उस मैंडेट के संदेश को नहीं समझ रहे। एक संकीर्ण सामंतवादी दायरे में बयान दिया गया और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा जातिगत जनगणना का था प्रधानमंत्री जी, खुल के आइए ना, विरोध में तो बोलिए मैं नहीं चाहता, मैं नहीं मानता। अगर विरोध में नहीं है तो करवाइए ना, उस पर चर्चा भी तो। और गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक स्कूल में प्रार्थना सभा को बीच में ही बंद करवा दिया गया और ये आरोप मुस्लिम शिक्षक पर लगा है। तो बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, सरकारी स्कूल में प्रार्थना सभा बीच में बंद की गई और जिसका आरोप एक मुस्लिम शिक्षक पर लगा है। न्यूज 18 संवाददाता चंदन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। चंदन, क्या है ये पूरा मामला? चंदन आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो न्यूज 18 संवाददाता चंदन से हम और अधिक जानकारी इस पर लेंगे, लेकिन जो खबर हम तक पहुंच पा रही है उसके मुताबिक गढ़वा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल में प्रार्थना सभा को बीच में बंद कर दिया गया और बंद करवाने का आरोप मुस्लिम शिक्षक पर लगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।